जैन साथियों, क्या आप जीडीएस के फॉर्म को भरकर अभी भी इस डाउट में हैं कि आपका सिलेक्शन इतने परसेंट हाई परसेंट होने पर भी होगा या नहीं होगा, तो जीडीएस को मारिए गोली, चूंकि मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन वैकेंसी जिसमें आप देश के सेवा में अपनी एफर्ट दे सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके फॉर्म भी शुरू होने वाले हैं। हाँ, बस इतना ये है कि इस जीडीएस में आपको सीधा मेरिट पर सिलेक्शन होता है अगर आपके हाई परसेंटेज हैं तो, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें ग्रुप सी में आपको कोई भी मार्किंग या मेरिट के आधार पर नहीं होगा, बिल्कुल आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम की फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिल जाए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये वैकेंसी अपडेट आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। जी हाँ, ग्रुप सी के नई पदों पर यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं सारी डिटेल आइए ले लेते हैं जल्दी से। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की नई वैकेंसी आ चुकी है। बात करें अगर कौन से ये आर्मी सेक्शंस में है तो ये है इंडियन एयरफोर्स का। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो है आपका ग्रुप सी। ग्रुप सी के तीन अलग अलग पदों पर भर्ती होने वाली है। वो तीन अलग अलग पद कौन से मैं बताने वाला हूं आपको। टोटल पास पोस्ट की बात करें तो 182 पोस्ट है यहां पर। बात करें अगर अप्लाई मोड की तो यहां पर अप्लाई मोड जो आपका होगा वो ऑफलाइन होगा। मैं आपको अभी नोटिफिकेशन की तरफ ले जाता हूं, और या मैं इसका जो फॉर्म है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके फॉर्म भी भर लीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा जब इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं बता रहा हूं भी। अप्लाई डेट की बात करें तो 3rd of August, जी हाँ 3rd of August, 3 अगस्त से फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं, बहुत करीब है वो डेट। और लास्ट डेट कब होगी, 1 सितंबर, मतलब आपको भरने को मिल रहा है 30 डेज के आसपास यहाँ पर फॉर्म मिल रहा है, उसके अंदर फॉर्म को आप भर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ पोस्ट में आपको 10th पास आउट मांगा है, कुछ के लिए आपसे 12th पास आउट मांगा है। किसमें 10th मांगा है, किसमें 12th मांगा है, अभी पूरी जानकारी आपको मिलती है यहाँ पर। एज की अगर हम बात करें तो अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज रखी गई यहाँ पर 25 साल। हाँ, एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल रही है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 साल की छूट मिल जाती है। आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन में। लेकिन दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, इस चैनल इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का, इसको प्लीज आप 50 लाइक्स तक पहुंचाइए फटाफट। आगे बढ़ते हैं, उससे ऊपर करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करेंगे वैकेंसी डिटेल की, इसमें कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए। देखिए, बात करें अगर पोस्ट नेम की तो इसमें तीन अलग अलग पोस्ट है साथियों। LDC जिसको लोअर डिविजन क्लर्क कहते हैं, जैसे ही आपके नाम माइंड में कोई भी ग्रुप सी जाया करे तो आप उसको क्लर्क लेवल पर समझिए, जिसको हिंदी में बाबू कहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है ये, सीधा अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं ये। तो LDC की टोटल पोस्ट की संख्या 157। अब इसमें क्वालिफिकेशन देखिए क्या मांगी गई। जब LDC कहा जाए, क्लर्क कहा जाए, तो टाइपिंग अपने आप वहां पर इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि क्लर्क का मतलब होता है टाइप करने वाला, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर 12th पास आउट मांगा गया है और उसके लिए टाइपिंग भी मांगी गई है। अच्छा, टाइपिंग में कौन सा जो है लैंग्वेज मांगा गया है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पर आपसे मांगी गई है। अच्छा, अब आप बात करें कि इंग्लिश में कितने टाइपिंग की आवश्यकता होगी, कितने स्पीड की जरूरत पड़ने वाली यहाँ पर, तो देखिए हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए अलग अलग है। अगर इंग्लिश आप टाइपिंग करने अगर क्या करनी होगी तो उसमें 35 वर्ड पर मिनट आपको इंप्रेशन देना होगा, 1 मिनट में 35 वर्ड। उसी जगह हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट देने होंगे। इंग्लिश थोड़ी इजी पड़ती है इसलिए देखिए उसकी जो इंप्रेशन है वो ज्यादा है, हिंदी थोड़ी टफ पड़ती है उसके लिए इंप्रेशन थोड़े कम है, 30 है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि तैयारी कब तक हो जाती है, तो तैयारी आपकी हिंदी के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको 1 से 1.5 महीने में भी 2 महीने के अंदर अंदर आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। बात करें अगर इसमें दूसरे पोस्ट की हिंदी टाइपिस्ट पर भी आपको यहाँ पर फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। करीब इसकी 18 पोस्ट हैं, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, 12th पास आउट मांगा है और इसमें भी टाइपिंग एक्सपीरियंस का मांगा जाएगा, आप टाइपिंग कर लेते हो वही हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट बात करेंगे। ड्राइवर पोस्ट भी इसमें निकली हुई है, 7 पोस्ट हैं इसकी टोटल है।
इसमें टेंथ मांगा है, जो मैं टेंथ और ट्वेल्थ यहाँ पर लिखा हूँ वो टेंथ कौन है, ड्राइवर पोस्ट के लिए है, और जो ट्वेल्थ पोस्ट है वो एलडीसी और हिंदी के टाइपिस्ट पोस्ट के लिए ही है। अच्छा, ड्राइवर में सिर्फ टेंथ नहीं मांगा, उसके आगे भी दो चीजें मांगी है, जिसका मतलब ड्राइवर जब भी आप पोस्ट भरते हैं तो उसके लिए आपको एलएमवी और एचएमवी आपको चाहिए होता है, मतलब हैवी मोटर व्हीकल और का लाइसेंस, और जो है लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ गाड़ी चलाते हुए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको जो है प्रायोरिटी मिलती है। तो ये रही डिटेल आपकी पोस्ट की अलग अलग, और उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट की और क्वालिफिकेशन की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें सिलेक्शन देखिए कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में साथ साथ नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे, मैं अभी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? अच्छा, आप सोच रहे होंगे जीडीएस के बारे में सर ने बताया फिर से मेरिट लिस्ट आ गई। एक्चुअली क्या है कि इसमें शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है, तो इसमें जो ऊपर से छटते हुए मेरिट बनेगी उसके बाद क्या होगा, उन सभी को जिनकी स्क्रूटनी हो जाएगी, जिनको अलग कर लिया जाएगा, उसके बाद इसमें रिटन टेस्ट के लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड उनको इश्यू किए जाएंगे। अब इनका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा। अच्छा, स्किल टेस्ट में क्या है? स्किल टेस्ट में ये सारी चीजें हैं कि आपको टाइपिंग करनी होगी, और आपको जो है आपका शायद आपकी गाड़ी भी चलवा के देखी जाए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आप डॉक्यूमेंट लगाने जा रहे हैं वो आपको दिखाने होंगे, फिर मेडिकल होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रिटन टेस्ट होगा आपका, वो वेटेज होगा उसका 100%, उसी में मार्क्स ऐड होंगे, उसी पर आप मेरिट, उसी पर आप सिलेक्शन पाएंगे। और जो स्किल टेस्ट होगा ये वाला, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें कोई मार्क्स ऐड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो रिटन है उसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। देखिए इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाने वाले हैं वो इस प्रकार रहने वाले हैं, जो बोर्ड में आपके सामने लिखे हुए हैं वो है, इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके बाद आपसे मैथ्स के, अरिथमेटिक मैथ्स पूछी जाएगी आपसे, उसके बाद आपसे जीए जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग आपसे जो है इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपसे ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने वाले हैं आपके रिटन एग्जाम में। ट्रेड रिलेटेड का मतलब ये हो गया, अगर आप ड्राइवर हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप एलडीसी हैं तो उसमें रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइवर का ही है। अगर ड्राइवर का आप फॉर्म भरते हैं तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। 3 अगस्त से फॉर्म एक्टिव हो रहा है, फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा, 30 दिन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप पूछेंगे एग्जाम कब होने वाला, एग्जाम की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, जैसे ही आती है चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिले। जैसे ही अपडेट आती है टेलीग्राम पर भी डल जाएगा आपको, यूट्यूब पर मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेरी के लिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं। और मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में जहाँ आपको मिलने वाली है एक नई अपडेट। चलिए मिलते हैं।